अध्यक्ष महोदय, हम इस नई सरकार के विरोध में खड़े हैं और सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया और 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। माननीय दोनों सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम बने, बड़ी खुशी है कि ये डिप्टी सीएम बने। इनका बयान हमने देखा कि भाजपा जो है इनकी मां, भाजपा पार्टी जो है मां, लेकिन हम तो कहना चाहते हैं आरजेडी ना आपकी मां हुई है ओरिजिनल। तो आप तो पहले हमारे दल में ही थे। आपके दल में नहीं? अच्छा, चलिए ठीक, चलिए कोई बात नहीं, आप अस्वीकार कीजिए, लेकिन जनता तो इस बात को जानती है। हमें खुशी है कि साथ में दो दो डिप्टी सीएम बने और विजय सिन्हा जी भी डिप्टी सीएम बने, स्पीकर पद पे भी रह लिए, नेता विरोधी दल भी रह लिए और डिप्टी सीएम भी रह लिए। इन्होंने भी इतिहास रच दिया, एक टर्म में 3-3 पद इन्होंने भी पा लिया। तो ये आप सोचे थे कि नहीं विजय बाबू? अरे आपके दिमाग में आया था कि आप एक टर्म में स्पीकर भी, डिप्टी सीएम भी और नेता विरोधी दल भी आप बन गए? तो इसके लिए आप तीनों लोगों को विशेष तौर पे हम बधाई देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम इनकी इज्जत हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे और हम तो कई बार इनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और हम लोगों ने काम किया मिलकर के, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे हम सारी बात को भी हम अपने आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करेंगे। अब कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बात को बोलते रहे हैं कि तुम मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति शांति, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में ऐसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला आप तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा, तो चलिए नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा, लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया, लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बने। पहले बार ही अपने से दूर किए, वो भी क्या मजबूरियां रही हमको नहीं पता, ना आपको पता, किसी को नहीं पता क्या मजबूरियां रही, लेकिन इन्होंने जब पहली बार जब दूर किया तो एक ही बात निकल के आया, क्या बात निकल के आया कि आप जो है एक्सप्लेन कर दीजिए, आपके ऊपर जो है मुकदमा है, केस है। जब दोबारा जब इन्होंने अपनाने का काम किया तो इन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी वाला सब फंसाने का काम करता है, ईडी और सीबीआई लगा देने का काम करता है। देखिए हम तो आपको इज्जत देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन ये बात समझना पड़ेगा और बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप
कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं, ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा है। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा? 2020 का हम लोग चुनाव जीत करके आए, मात्र बेईमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस था पूरे महागठबंधन और एनडीए में, आप क्यों छोड़ के आए? आपने यही बोला था ना कि हम एनडीए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। और आपने ये कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगे, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं, उस पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है न किसी को मुख्यमंत्री बनना है, देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था, आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी है, आपका मन लगाने के लिए, हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। आपने 2020 के चुनाव में क्या कहा था? झूठ मत बोलिएगा, देखिए हम आप लोग से उम्र में छोटे, अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी बांटेगा, असंभव है, क्या बोले थे? और हमने उस समय चुनाव के दौरान रोजगार पर विशेष तौर पर हमने बोला था, हमने सर्टिफिकेट अध्ययन किया, रिक्त पदे हैं इतनी इतनी हैं, उसको हम लोग जो है भरने का काम करेंगे। हमको दुख इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आ गए, हमको तो खुशी है कि उन 17 महीनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया उसको हमारी महागठबंधन सरकार ने करने का काम किया। आप बताइए, आपको याद होगा जब आप बीजेपी को धोखा देना चाह रहे थे, हम तो नहीं आना आपके साथ आना चाहते थे, ये बात हम आपको कहे भी थे कि हम तो नहीं आना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन देश भर के सभी नेताओं का दबाव है कि भाई एक बार 2024 के चुनाव में हम लोग एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के मोदी जी को हराने का काम करें। तब हमने क्या कहा था मुख्यमंत्री जी, याद है? विजय जी हैं आप भी सामने, हम कहते मुख्यमंत्री जी हम सरकार में नहीं आएंगे, हम बाहर रह करके आपको समर्थन देंगे और आपके सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, आप चलाइए सरकार, निफिक्र होकर के चलाइए, क्योंकि हम लोगों का भी लक्ष्य है कि भाजपा को देश से भगाने का काम करें, उस सांप्रदायिक शक्तियों को जो विचारधारा है जो समाज में जहर बोने का काम करती है उसको हम लोग भगाने का काम करें, इसीलिए ना हम लोग एक साथ आए थे, और तो कोई कारण नहीं था। अब हम को बताना हम नहीं चाहते हैं कि दशरथ तो नहीं चाहते थे राम वनवास जाए, लेकिन कैकेयी जरूर चाहती थी कि राम जो है वनवास चले जाएं। मुख्यमंत्री जी आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए और जो सिलसिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए, उसमें हमारा समर्थन रहेगा, रोजगार बांटिए, नौकरी बांटी जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था, लेकिन केकई को भी पहचानिए कौन कौन केकई बैठा हुआ है आपके साथ। सम्राट चौधरी जी पगड़ी पहनते हैं, फालतू वगैरह पहनते हैं, उतारने का बात करते हैं, ये सब करो, फिल्म का शूटिंग चल रहा है महोदय, अब बांध लिए पगड़ी, चलो आओ मैदान में, अब खोलिएगा। अरे हम कोई गलत बात नहीं है, सुन लो यार नवीन जी, सुनिए ना, पथ निर्माण मिल जाए बहुत कृपा होगी, आप आगे काम कीजिएगा, बैठिए ना, बैठ जाइए बोलो कीजिए। तो
उपाध्यक्ष महोदय बोले दीजिए, भटिए आप लोग शांति से बैठिए, आपके आप जब बोलिएगा इधर से नहीं कोई बोलेगा, आप शांति से बनाए रखिए। हमें विश्वास है कि हमारे एक और चाचा विजेंद्र जी बैठे हैं यहाँ, हमको जरूर लगता कि इन्होंने जरूर सलाह दी होगी सम्राट चौधरी जी को पगड़ी उतार लो, दिए कि नहीं दिए? आप तो हमको सलाह देते थे, हमको पता है आपके मन में भी पीड़ा है, दर्द है, लेकिन आप एकदम अपने नेता के साथ जो निर्णय है उसी में लेते हैं। लेकिन नेता तो निर्णय लेते हैं, साथ देना चाहिए, लेकिन कभी कोई सलाह और एक स्टैंड भी लेना चाहिए कि कोई गलत निर्णय ना हो, इससे नेता का ही नुकसान होता, इससे नेता का ही नुकसान होगा। तो इस बात की तो हमको चिंता रहेगी। अभी सम्राट चौधरी जी क्या क्या बोलते थे उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी जी के पिता भी हमारे दल में रहे हैं और उनका शब्द मुख्यमंत्री जी के लिए क्या क्या रहा है वो हम यहाँ नहीं बताना चाहते। आपके भी दिल में है, आपके भी कान में है, आप लोगों के भी होश में है, और पूरा बिहार बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए कि हम कोई ऐसा बोल, सुन लीजिए ना, अरे सुन तो लो भाई, किसी भी बिहार में बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए कि क्या होने जाएगा, नीतीश जी पे भरोसा है कि नहीं है, वो क्या क्या शब्द का प्रयोग करेगी जो हम लेना नहीं चाहते। और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो, बताइए मोदी जी के गारंटी वालों, बताओ बताइए पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी। खैर हमको इसकी चिंता नहीं है, विजय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी जब जहां चेयर पे थे, व्याकुल मत होइए, खूब जोड़ी है आप लोगों का, कमाल का, लगे रहिए। लेकिन आप लोग तो क्या क्या बोलते थे, अब उस पर तो आपको बताने का जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं कि बकवास क्या दोबारा तिवारा जो है रटा जाए, कहा जाए, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी आदरणीय हैं, कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते जहां, इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। अरे भाई हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, आप मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़ा दल हमारा है, कम से कम एक बार बुला के बोल देना चाहिए, कोनो आपको हम कुछ कहते हैं, आप बताइए हम आपको कुछ कहे हैं, कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे। लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजो को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं, और हम लोग एकदम मजबूती के साथ खुट्टा गाड़ के खड़े हैं कि आपने जो संकल्प, महोदय मुख्यमंत्री जी आज तो आपसे हम कह ही सकते हैं ना, आप तो बुलाए नहीं, खुद ही चले गए गवर्नर हाउस, लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं ना, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते, नहीं है ठीक है तो उसका भी व्यवस्था कर देते, अगर हमारे सरकार से हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते और कोई माई का लाल हिला देता उस सरकार को। ये मन में शंका मत पालिएगा, जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था तो मन में कभी भी शंका, आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कंफ्यूजन होगा तो बुला करके बात कर लीजिए, दूर कर लीजिए, क्यों? क्योंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं, हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री जी, और इसको ध्यान में रखना चाहिए, विजेंद्र जी, विजय जी, सब लोग को बात रखना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा, ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है मुख्यमंत्री जी, जो आप लोगों के साथ हम लड़ रहे हैं अकेले,
हमारे साथ कांग्रेस है, माले है, महागठबंधन हम लोगों ने बनाया था 2020 में, और 20 में तो क्या रिजल्ट हुआ था उसी का ना पीड़ा आज मुख्यमंत्री जी का कि तीसरे नंबर का पार्टी हो गए। और चर्चा तो बाजार में ये भी चल रहा है, आप मुख्यमंत्री जी एक और पूरी बिहार की जनता मीडिया के साथ ही है, अरे कब्जा छुड़वाने चले थे, अब तो खुद ही कब्जा इन पे हो गया, अब देख लीजिए। लेकिन जितने मीडिया के लोग हैं, अरे कब्जा ना हो गया है आप लोगों पर, कुछ लिखने देगा, कुछ बोलने देगा, तो अब तो कब्जा आप ही पे हो गया है। खैर जो भी अमित शाह जी कहते रहे, हमारा तो दरवाजा बंद है, खैर उनका क्या, उनके बात में दम है, बात में दम है। खैर हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और हम लोगों ने 17 महीने काम कर करके दिखाने का काम किया है, नौकरियां तो निकल ही रही है। और कई बार मुख्यमंत्री जी जब हम आपसे मिलने गए थे, जब सरकार बनाना था हम लोगों को, तो मेरा सबसे पहला कंडीशन, विजेंदर जी आपको याद होगा, हम बोले थे कि हम अगर आपके साथ आएंगे तो भाजपा के रोकने के लिए तो आएंगे, लेकिन साथ में आप हमको विश्वास दिलाइए कि हमने जो जनता से हमने कमिटमेंट करने का काम किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, आप वो करवाइएगा अपने नेतृत्व में। मुख्यमंत्री जी बोले हो जाएगा हो जाएगा, और दूसरा दिन अपने अधिकारी को भेज देते हैं, जब हम लोग ओथ ले लिए, अपने एस सिद्धार्थ जी होंगे, ठीक है विजेंद्र जी, विजय जी ठीक है ना, वित्त मंत्री थे ना, तो वित्त सेक्रेटरी थे उस समय सिद्धार्थ जी, तो सिद्धार्थ जी को भेजा गया, बहुत काबिल अधिकारी है, बहुत सम्मान है हमारा, तो सिद्धार्थ जी आकर के हमारे पास बोलते, हम बोले मुख्यमंत्री जी को क्या हुआ नौकरी का, क्या हुआ, दीपक जी को बोले, मुख्यमंत्री जी को बोले, विजय जी को बोले, सब बोल रहा है कि आपने वादा किया था चुनाव में, हालांकि हम तो सीएम बने नहीं कि हम दस्तखत कर देते, लेकिन उप मुख्यमंत्री बने, फिर भी हमारे पर जिम्मेदारी थी, फिर भी हमने शांति को बोलिए, बात को कई बार जो है कहा, तो उसके बाद फोन आता है और कहा जाता है कि सिद्धार्थ जी जा रहे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी है, मुख्यमंत्री जी के भी प्रधान सचिव हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। सिद्धार्थ जी आते हैं, फाइल दिखाते हैं, कैसे होगा सर, कुछ नहीं है पैसा, कैसे होगा, हमने बोल दिया किसी भी हालत में ये काम हम लोगों को करना है। आप असंभव बोलते थे, आप मेरे पिताजी को बाप का पैसा ला करके दिलाएगा, लेकिन ये 17 महीने में कहां से एक विभाग में एक दिन में 70 दिनों के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी कैसे मिला। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी जो थके हुए मुख्यमंत्री थे उनको हमने दोहराने का काम किया, तो हम लोग सही बात बोलते थे, बोलिए कि जातीय जनगणना, जातीय आधारित गणना के बारे में यही ना हाउस से हम यही ना बैठे थे, यही से ना हमने प्रस्ताव किया था, हालांकि आप पहले से मांग करते रहे, हमारे पिता भी मांग करते रहे, खाली भाजपा वाला को छोड़ के, सही बात है कि नहीं, और आप बताइए ना क्या क्या भाजपा वाले लोग बोलता था उस समय, हाँ सॉलिटर जनरल कौन है वहां बड़ा महाधिवक्ता, क्या नाम है उनका, सुप्रीम कोर्ट में करा दिया था रोकने के लिए, तुषार मेहता को खड़ा कर दिया था, जो हम लोग जाति आधारित गणना करा रहे थे, तो आप तो जानवे ना करते हैं, सब बात जानते हैं, फिर भी वहां चले गए। अब बताइए कर्पूरी जी को मिला हमको तो बहुत खुशी की बात है, कर्पूरी जी को मिला, आप कर्पूरी जी के साथ हमारे पिता के साथ आप काम कर चुके हैं, आप उस वक्त थे, हम भले मेरा जन्म ना हुआ हो या हम बहुत छोटे होंगे, लेकिन आप तो जवान थे, आपको तो ये पता था कि कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ाए थे, उनकी सरकार थी, तो
जनसंघ जो था उस सरकार में था, जब कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ा दिए तो यही जनसंघ वाला ही ना कर्पूरी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया। कौन हटाया? और आप कहां बैठ गए? आप कर्पूरी जी का नाम लेते हैं और आप कहां बैठ गए मुख्यमंत्री जी? और वही जनसंघ वाले भाजपा वाले कहते थे, क्या बोलते थे, आरक्षण कहां से आई, कहां से आई? कर्पूरी जी हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये बोलते आप हैं। और आप कहां चले गए मुख्यमंत्री जी बताइए? हम अगर गलत बोल रहे हैं तो इस बात को बताइए। विजेंद्र जी, विजय जी, आप लोग सब लोग उस समय रहे भाई, सब लोगों ने नेतृत्व में काम किया है। हालांकि पता नहीं उस समय विजय जी शायद कांग्रेस में थे, लेकिन मन से ये समाजवादी भी रहे हैं। तो इतना सब लोग का सहयोग रहा, कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला, तो ये लोग तो भारत रत्न डील बना लिया, डील करने के लिए हमको वोट मिलेगा और डील कर लो, भारत रत्न दे देंगे, भारत रत्न दे देंगे, डील कर लो। सम्मान नहीं करते आप लोग, डीलिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं। भाजपा के लोग सम्मान नहीं करते, डीलिंग करते हैं, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए करते हैं। और हम लोगों ने कितना आरक्षण बढ़ा दिया, 75%। लालू जी का जब सरकार था तो उस समय शायद 12 या 14% था, राबड़ी जी के सरकार में 18% हुआ। उसके बाद जो है आप आए तो और बढ़ गया, हम लोग आए तो 75% तो हम लोग ले ही गए, लेकिन 24 के आसपास जो है अति पिछड़ों का आरक्षण जो है वो मिला। तो हम लोग तो ये सब काम करते रहे, और हम लोग विचारधारा को मानने वाले लोग, हम लोग सिद्धांतवादी लोग हैं। एक जगह खड़े रहते हैं तो मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, इधर उधर हम लोग नहीं करते। तो इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हमको किसी बात का डर नहीं, फिक्र नहीं। हमारे पिता लालू जी है और उनका खून मेरे अंदर, हम लालू जी का बेटा है, इन सब चीजों से घबराते और डरते नहीं है, संघर्ष करते हैं और लड़ते हैं। तो हम लोग लड़ाई जो है लड़ने का काम करेंगे। और आप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि उधर चला गया, जब इस्तीफा देकर के आए थे गवर्नर हाउस से, तो ये बात तो बोले कि मन नहीं लग रहा था, दूसरा बात ये बोले कि क्रेडिट ले रहा था मेरा डिपार्टमेंट विभाग आरजेडी का, मैं हमारे मंत्री, हम लोगों ने नौकरी दिया 17 महीने में, पहले तो नहीं मिलता था, तो क्रेडिट क्यों ना ले? एक मिनट, अब आप लोग सरकार बना लिए, एक मिनट या सुनिए ना भैया, सुन तो लो, सुनना ही नहीं चाहते, आप ही के हित में बोलना चाह रहे। तो आप बोले क्रेडिट का, सम्राट जी, विजय सिन्हा जी, ये हम आप लोग को पहले सचेत कर दे रहे, सचेत इस बात का करें कि महागठबंधन की सरकार तो हम लोग नहीं रहते तो फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनते। लेकिन एक बात समझिए, अगर आप लोग अभी सरकार में हैं, जो काम होगा उसका क्रेडिट नहीं लीजिएगा। तो मुख्यमंत्री जी, हम लोग 17 महीने जब थे सरकार में तो उसका क्रेडिट क्यों ना ले? आप लोग बताइए क्यों ना ले? अब आप लोग सरकार में आए भाजपा के लोग, और नीतीश जी बोलेंगे कि नहीं क्रेडिट नहीं लेना, क्रेडिट केवल मेरा, तो आप लोग क्या कहिएगा, क्या कहो, क्या कहिए? अरे भाई बैठ, शांति शांति। हम लोग पिछला जब सत्र चल रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, जब पिछला सत्र चल रहा था तो मांझी जी अपनी बात को रख रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी, एक मिनट, मुख्यमंत्री जी जो है गुस्सा में आए, गुस्सा में तो आए, लेकिन उसके बाद मांझी जी का रिएक्शन बाहर हुआ था मुख्यमंत्री जी। अब बाहर जाके बोले थे कि आपको जो है कोई गलत सलत दवा खिला देता है, बोले थे, हम नहीं बोले थे, गलत सलत दवा खिला देता है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है,
उनको जो है इलाज कराना चाहिए था। बोले थे कि नहीं बोले थे मांझी जी? अब हमको पूरा मांझी जी पे भरोसा है कि अभी अच्छा दवाई कराएंगे। मांझी जी ख्याल जरूर करिएगा, वो आप बड़े हैं, आपका सब जवाब मेरे यहाँ है, कोई नहीं जरूर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो आप दवाई अच्छे से खिलाइए पिलाइए और थोड़ा बगले में कमरा ले लेते, जाके ले लीजिए, अगर जाए सच में अगर चिंता है तो आप कमरा ले लीजिए, वरना आज अगर आप बोलिएगा तो अपना वचन वापस ले लीजिएगा जो मुख्यमंत्री जी के बाहर बाहर बोले थे। नहीं नहीं आप बोलिएगा ना, आपका बारी आएगा। अरे अरे बैठिए, आपको मौका मिलेगा माननीय सदस्य, बैठ जाइए, मौका मिलेगा आपको, आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, बैठ जाइए आप, आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा बोलिएगा अच्छा से बोलिएगा, बैठिए। अरे कोनो नया बात बोलिए ना, वो हट गए तो हमने उनको बोल दिया, तो वो साथ आ गए तो हमने तारीफ कर दिया, वो उधर चले गए तो हमने बुराई कर दिया, तो कौन नहीं करता, सब तो कर ही रहा है। अरे कौन नहीं कर रहा, इसमें नया बात क्या बोल रहे हैं? हम तो चिंता की बात रख कर रहे हैं कि आपको अगर सही में चिंता है तो बगल में कमरा लेकर के ठीक से दवाई कीजिए, नहीं है तो अपना शब्द वापस। हम तो यही कह रहे हैं, अच्छा इसमें कोई बुरा बात लगने वाला बात नहीं है, हम तो छोटे हैं, बड़ा आपका हृदय है, इतने बुजुर्ग है, हमारे अभिभावक है, बच्चा कोनो गलती करता है तो क्षमा कर देना चाहिए, दिल बड़ा रखिए, तो इसमें नहीं कहना। अब हमको तो बच्चे ना बोल रहे थे, अब कंक्लूड कीजिए माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय बोलने दीजिए, आज ही तो मौका मिला है ना, आज ही ना मौका मिला, इसके बाद तो हम जनता के बीच है, जो हमारी मालिक है जनता, सदन कैसे चलेगा तो हमको पता है, क्योंकि भाजपा का शायद स्पीकर है आने वाला जो भी होगा, तो सदन कैसे चलेगा तो हमको पता है, तो कोई मतलब नहीं, हम तो जनता के बीच रहेंगे, काम करेंगे जनता के बीच रहेंगे, तो उसकी हमको कोई चिंता नहीं, तो इसलिए हम सब लोग जो है इस बात को ध्यान रखें कि हम सब लोग यहाँ हैं तो बिहार के हित के लिए, बिहार के तरक्की के लिए, और स्थिरता जब तक नहीं रहेगी कोई सरकार में, जब तक कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी सरकार में, तब तक विकास संभव नहीं है। और हमको तो पीड़ा होती है जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के प्रति, इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री जी तो इधर से उधर भाग गुना कर लेते हैं, जो करना है कर लेते हैं, लेकिन जनता के बीच तो आप विधायक के लोग ना जाकर के जवाब देगा, आप ही लोग ना दीजिएगा। अब आपसे कोई पूछेगा काहे बताओ नीतीश जी तीन बार शपथ लिए तो क्या बोलिएगा? तू गरियात रहला पहले, अब तू पढ़ाई करत रह, क्या बोलब? हमने नौकरी दिया ही कहेंगे, क्या बात कर रहे हो? तो दूसरा एक विधायक अगर मेरे को झुटला दे कि अब सच बात बोल रहे, भाजपा का लोग का तो शपथ ग्रहण जब हुआ उससे एक दिन पहले ही सारा ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया, अब तो यही बोलेंगे मुख्यमंत्री जी अरे अभी तो हुआ, आप लोग कहले नाम दे रहे, खैर हुआ था लगे, तो अफसर सही, अरे हमको क्या है, अब बोलेंगे वो नहीं किए कर दिए तो भी खुश, नहीं भी खुश, आप लोग अपना चिंता कीजिए। तो एक बात समझिए, अफसर शाही इतना हावी है कि हम नहीं आप ही लोग बोलते हैं। अरे सब फुटेज है, कौन कौन बोला है सबका फुटेज है, सब दिखा देंगे। हाँ ये तो सम्राट चौधरी जी शपथ से पहले दिल्ली में इंटरव्यू दे के आए थे, जरा फिर से देख लीजिएगा, हमको बोलने की क्या जरूरत है।
सब तो अपने आप लोग बोलते हैं करते हैं। तो हम इतना कह रहे मुख्यमंत्री जी कि कुछ भी लोग किया, भाजपा इतनी डरी हुई थी हमारे गठबंधन से, महागठबंधन से, आज मजबूरन देख लीजिए कुछ भी लोग इवेंट मैनेजमेंट करते रहे हो, कुछ भी धर्म के नाम राजनीति करते रहे हो, लेकिन हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा किसी को डर भाजपा को था तो बिहार से डर था, आपसे डर था, हम साथ थे उसका डर था, हम दिल से बोल रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी शांति शांति, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप हम जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो दो तीन कैबिनेट से फाइल अटका पड़ा है भाई, हेल्थ पब्लिक हेल्थ कैडर का, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का हमने बोल दिया कि 1,30,000 लोगों का वैकेंसी का है, वो करवा दीजिए। कितना बार हम फोन करें, मेरे पास मैसेज है विजय जी को, मैसेज के सब रिकॉर्ड में है। प्रत्यय अमृत आपके होनहार अधिकारी हैं, उनसे पूछिए, दीपक जी से पूछिए, हम आपको कई बार बोले, विजेंद्र यादव जी को बोले, विजय जी को बोले कि कम से कम ये वाला पब्लिक हेल्थ केयर जो हम कर दिए हैं और ये कैबिनेट ही में नहीं आ रहा है, कम से कम इस पे तो कीजिए, लोगों को बहाली होगी, रिक्त पदे हैं, भरा जाएगा, काम किया जाएगा, मैसेज लोगों का अच्छा जाएगा, यही तो एजेंडा था। तो हम तो देखिए ना, आप लोग अगर 12,000 वोट के अंतर से छल कपट करके जीत के 2020 में आए तो 5 साल का ना था, 5 साल में अभी तो 3.5 साल चल रहा है, उसमें से हम लोग 17 महीना रह लिए, उसमें 17 चोर, अच्छा भैया चोर दरवाजे से अगर हम घुसे तो चोर का दरवाजा किसने खोला, अरे बताओ भाई, माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें, 4 बजे तक समय है। आप लोग छोड़िए ना, आप लोग को तकलीफ होगा, जब पीड़ा मिलेगी वहां से तो तेजस्वी खड़ा होगा, समझे। और आज हमारे प्रहलाद जी सबसे बुजुर्ग शांति शांति, देर नहीं, बिहार की जनता सुनना चाहती है, जानना चाहती है कि 9 बार शपथ आप क्यों लिए, 1 साल में 3 बार शपथ क्यों लिए। लेकिन हम तो यही ना खाली कह रहे कि भाई जो प्रहलाद जी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, कितना दिन तक आपने पार्टी का झंडा बुलंद करके रखा, और आप स्वस्थ रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से यही आग्रह होगा कि जो आपका बात हुआ है उस पर वो खड़े उतरे, कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। ठीक है, समाप्त किया जाए, याद कीजिएगा मेरा छोटा भाई चेतन, जब थक थका करके कहीं आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो हमने टिकट इसको दे करके जिताने का काम किया, और इनके पिता के गुण पे नहीं, इनके गुण पे। नौजवान लोग रोड मैप है, लंबा चलना है, नया टीम बनाना है, नौजवानों को हम लोगों ने टिकट दिया, नौजवान आए राजनीति में, राजनीति करे, सकारात्मक राजनीति करे, बिहार को आगे लेकर के जाए। थका हुआ लोग नहीं चाहिए था हमको, लेकिन हमको पता है क्या क्या मजबूरी है, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत दिनों से पीड़ित है, और इस पीड़ा में कहीं भी रहे हम इसके साथ हैं। और नीलम जी, जो आप महिला हैं, आपने जोर ने ले लिया, हम स्वागत करते हैं, थोड़े शांति 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 शांति, बस 2 मिनट हम कंक्लूड करेंगे। नीलम जी आप महिला हैं, हम आपके निर्णय का स्वागत करते हैं, बात बने ना बने बाद में हमको जरूर याद कीजिएगा। और एक काम और मुख्यमंत्री जी, हमने फाइल कर दिया था,
आगे भी बढ़ा दिया था, विजय बाबू देख लेंगे देख लेंगे, देखते ही रह रहे हैं। अभी तक फैलो करवाए नहीं के कैबिनेट में। तो जीविका लोगों का तो आशा दीदी लोग का मानदेय वाला करवा दीजिएगा, आशा ममता हम लोग के सरकार में। हम लोग सबका राय बना था, जिसमें जितने आप लोग सब लोग मीटिंग में थे, सब लेफ्ट के पार्टी सब नेता को आप बुलाए थे, इसमें आपका भी निर्णय था, हम नहीं मना कर रहे हैं। आपका काम किया है उस पर हम उंगली नहीं उठा रहे। आपने काम किया, मानदेय बढ़ाया, हम लोग का भी साथ रहा। हमने भी बोला कि भाई ये कर रहे हैं, ये भी कीजिए ये भी कीजिए, जो जितना मुंह था उतना हम कहते थे, इज्जत सम्मान से। ठीक है ठीक, अपने मुंह से ज्यादा हम नहीं कहते थे। तो हम तो एक एक चीज और, शांति शांति शांति, अब हम कंक्लूड करेंगे बस। अब आप लोगों की सरकार बनी है, आप लोगों की जो सरकार बनी है, हम यही कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार जो है, हमारी मांग है कि ओल्ड पेंशन नीति को आप लोग जरूर लागू कराइएगा। सम्राट जी, इधर उधर सिद्धार्थ जी को ना भेजा जाए, सिद्धार्थ जी का मत सुनिएगा। ओल्ड पेंशन नीति आप करवाइए, क्रेडिट हम आपको दें। ओल्ड पेंशन, और अब तो विजेंद्र जी को जब भी देखते हैं तो हमको केंद्र का योजना में कितना घटौती कर दिया बिहार के लिए, वही याद आता है। केंद्र सरकार ने ये किया वो किया, जब जब के बोलो ये किया वो किया। तो ये सब ठीक है, लेकिन अब क्या इस पे जाए। अब मुख्यमंत्री जी तो आग बबूला हो जाते थे कैबिनेट में, कोई भी प्रस्ताव में अगर केंद्र का जितना भी अंश था शेयर था अगर केंद्र का नाम आया तो भाव उसको फाइल हटाओ, कौन लिख दिया हटाओ, केंद्र कोई मदद नहीं करता है। तो आप जरूर मुख्यमंत्री जी जो है, केंद्र जो पैसा दे, हमको पता है कि कहां दे रहा है बिहार को, लेकिन कुछो देता है तो वो मोदी जी के पॉकेट का नहीं है, बिहार के लोगों का है, वो जरूर लीजिएगा, इसमें कोई नहीं। आज जिसको भी स्वास्थ्य मंत्री बनाइएगा, प्रत्यय अमृत जी से पूछ लीजिएगा, एक कार्ड बनता ना जिसका मोदी जी प्रचार करते हैं, बिहार का भी वैसे ही योजना आप लोग लाए हैं कि जो मजदूर बाहर रहेंगे उनका 5 लाख तक का जो है तुरंत। अब क्या होता, पहले रिवर्स होता था, इलाज करा लो तो बाद में पैसा अपना दो, फिर बाद में पैसा भंजाते रहो, इसमें क्या पहले ही पैसा इमीडिएटली जो है मिल जाएगा। ये सब काम करा दीजिए, बाकी डबल इंजन की सरकार हो गई है आप लोगों की, तो हमको पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी से आप मिले होंगे तो आपने विशेष पैकेज की मांग की होगी। लेकिन विशेष पैकेज नाम देकर के अंदर गुब्बारा नहीं होना चाहिए, और कम से कम विशेष राज का तो दर्जा दे दे। हम लोग तो निकलने वाले थे ना कि बिहार को विशेष राज का दर्जा मिलेगा, चलिए आप नहीं कीजिएगा, अब तो आप तो सब लोग कब्जा ना कर लिया है, उसको हम ही आगे हम लोग लड़ेंगे काम करेंगे। ठीक, कृपया समाप्त करें। अध्यक्ष महोदय, हम सभी अपने महागठबंधन के साथियों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस लड़ाई में आप लोगों ने हम लोगों का साथ देने का काम किया है, और आप सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुख्यमंत्री जी स्वस्थ रहिए, कभी कोई बात होगा कुछ भी अगर कोई बात हो तो हम हाजिर हैं, उस पर कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन ये सब काम जरूर कीजिए।